नाजरीन मेरे सामने इस तरफ डिशेज तैयार हो रही हैं, खाने की ऑर्डर दिया लोगों ने, और दूसरी जाने गवर्नमेंट की जो रेसिपी है वो भी पक रही है। देखिए गवर्नमेंट किसकी बनती है पंजाब में और सेंटर में भी, क्योंकि बड़ा शोरों को बरपा है कि गवर्नमेंट दोनों पार्टी चाह रही है कि गवर्नमेंट उनकी बनती है। सामने को भाई क्या हाल है, खड़े हो जाएंगे आप जरा। वोट किसे दिया था? शेर को। शेर को, शेर यहाँ से जीत गया। हाँ जी, खुश हैं आप? जी। लेकिन गवर्नमेंट नहीं बननी पंजाब में, बड़ी मुश्किल लग रही है। ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, अगर नहीं बनती गवर्नमेंट तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है, क्या उम्मीद है उनसे आपको? अच्छा काम करेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यही उम्मीद है। हाँ जी, अच्छा काम करेंगे तो तरीके इंसाफ को ही सपोर्ट करेंगे। और लोग यहाँ पे बैठे हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई जान? हम फाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। कहाँ से आए हैं? हम इस वक्त वाल्टन से आए हैं। वाल्टन से आए हैं, अच्छा जी। आपका हल्का था 131 पर? जी बिल्कुल। वोट किसे दिया था आपने? वैसे वोट मेरा लाहौर का नहीं है, वोट मेरा पतुकी का है। अच्छा, तो वोट हमने तहरीक लबैक को दिया था। लबैक को दिया था, लेकिन उनको नुमाइंदगी नहीं मिल रही। नुमाइंदगी नहीं मिल सकी, दैट्स अदर इशू। अच्छा, लेकिन साहब की गवर्नमेंट बन रही है, कोई उम्मीद है उनसे? उम्मीदें तो बड़ी हैं। अच्छा, उम्मीदें तो बड़ी हैं, जैसे उन्होंने दावे किए हैं, अल्लाह करे अपने दावों के मुताबिक वो पूरे उतरें और पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएं। उम्मीदें हैं हमें उनसे। ठीक है जी, उम्मीद है। आपने दावे बड़े किए हैं, अब देखें दो लोग दुआएं भी कर रहे हैं। आपका वोट किसका था? मेरा वोट पीटी का था, मैं भावलपुर से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो लाहौर के खाबे खाने आए हैं आप? लाहौर से। लाहौर के खाबे खाने आए? हाँ जी, हाँ जी। क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर हमने टिक्का पोटी का किया है। और इसकी मशहूरी भावलपुर तक है। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं तरीके से आपकी गवर्नमेंट आने जा रही है। हाँ जी, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या काम करना चाहिए उन्हें? इन्हें सबसे पहले जो आवाम से वादे किए हैं उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। हम ये कहते हैं कि आवाम को भी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह आवाम को सब्र से भी काम लेना चाहिए, आवाम के लिए भी मशवरा। आप बताएं किसका वोट था जी? तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का। आप लाहौर से हैं? जी लाहौर। आप मेहमान, मतलब इनके मेहमान नवाजी कर रहे हैं आप? बस ये घर के ही लोग हैं, मेज़बान और मेहमान नवाज एक ही बात। अच्छा, तो आपने क्यों किया वोट तहरीक इंसाफ को? देखें जी, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई विजनरी लीडर मौजूद है ना, जो कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बात कर सकता है, वो इमरान खान है। तो आपको अच्छी उम्मीद है उनसे? डेफिनेटली उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अच्छी उम्मीदों की वजह से ही उनको वोट इस दफ़ा कास्ट किए, अदरवाइज हमारा पूरे का पूरा फैमिली का वोट पहले पीपल्स पार्टी का हुआ करता। अच्छा। था देन उसके बाद मुस्लिम लीग नून का, फिर तहरीक इंसाफ, देन तहरीक इंसाफ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपको अच्छी उम्मीदें हैं। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। चाचा जी, ताला की हाल है, की कर रहे हो? मैं कारपेंटर हूं, लकड़ी का काम कर रहा हूं। अच्छा, वोट पाया जी? हां जी। किन्नू पाया सी वोट? बल्ले नु। बल्ले नु? ओ ताडी खैर, तुसी बल्ले नु वोट पाता, लगदा तुसी शेर दे हो वैसे। नहीं, पीपल पार्टी दे सा। पीपल्स पार्टी दे सा। तो क्यों शेर इन्हें क्यों पाया वोट बल्ले नु? इत्थे है ही नहीं है, मर गए ने। अच्छा, चलो हुण मैनूं दसो कि गवर्नमेंट बन रही तरीके इंसाफ दी, कोई उम्मीद है बल्ले वालियां कोलों? उम्मीद हैगी है कि गरीबां दा फायदा करे। अच्छा, जिहड़े कोई हेल्पर भर्ती हुंदे ने उहनां दी तनखाह चंगा ची हो, बिल घट्ट हो। ठीक है, बहुत ताड़ा मैसेज पहुंच गया इमरान खान साहब तो। गरीबों का ख्याल करना है, बिल काटान, महंगाई जड़ी की है वो काबू च आए, महंगाई कंट्रोल हो गए। किसे दिया वोट? नून लीग को। नून लीग को? नून लीग यहाँ से जीत गई, खुश हैं आप? खुश हैं। क्या कहेंगे, इलेक्शन अच्छा हुआ? इलेक्शन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। गलत हुआ, जीतने के बावजूद गलत हुआ? अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट मानी तरीके साहब की, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अभी तो देखेंगे, अभी तो इनका स्टार्ट आई हो कि अच्छा लगे, दुआ है जो भी आए पार्टी अच्छा करे। अगर तहरीक इंसाफ अच्छा करती है फिर वोट किसका होगा आपका? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग ये कह रहे हैं, जिस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा वोट उसको देंगे। क्या कैसे दिया? ठीक ठाक है। आप किधर घूम फिर रहे हैं? इधर ही खाना छाना खाने आए। खाना छाना खाने आए, खा लिए? खाना अभी खाना है। अच्छा, वोट किसे दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों दिया वोट? पीटीआई को, अच्छा काम करे, अच्छे बंदे हैं, अच्छी उम्मीद है। गवर्नमेंट बन रही है, कोई मैसेज देंगे आप इमरान खान साहब को? तहरीक इंसाफ वाले भी आपको देख रहे हैं। मैसेज यही है कि जो उम्मीदें हैं उनसे, उस पर उन पर पूरा उतरे वो, इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बेहतर उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा काम करेगा। भाई कैसे हैं? वोट दिया था, चलते थे साथ साथ ताकि रश ना हो। किसे वोट दिया था? इमरान खान को। अच्छा, आप बताएं जी, आपने किसे वोट दिया था? हमने इमरान खान को दिया। क्यों दिया इमरान खान को वोट? क्योंकि पीटीआई है, अभी नए पाकिस्तान चाहिए ना, तो वही ला सकते नया पाकिस्तान। तो अच्छा जी, उम्मीद है कोई अच्छी तरीके से गवर्नमेंट आ रही है? बहुत। क्या उम्मीद है, क्या काम करना चाहिए सबसे पहले उनको? सबसे पहले तो ये कि लाइट का मसला हल होना चाहिए,
ठीक है, उसके बाद जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। आप बताएं जी, यही है लाइफ महंगाई के अलावा कोई बात करेंगे आप? इसके अलावा ये कि बेरोजगारी है वो खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। बेरोजगारी है, लाइट है, महंगाई है, सेहत की सहूलियात है, देनी पड़ेगी। तरीके साहब को मेहान खान साहब आपने बातें बड़े किए थे, अब इन बातों को आपने ही पूरा करना है। आइए नाजरीन हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसको वोट दिया था? वोट तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को क्यों दे दिया वोट? तहरीक इंसाफ को हार गए यहाँ से जाज दयाल साहब। पहली तो बात ये कि हमारा वोट लाहौर में नहीं था, अच्छा दूसरी सिटी में था। हमने यहाँ से अपना किराया खर्च करके तहरीक इंसाफ को जा रहे। क्या बात है आपकी, ऐसा ऐसा जज्बा होना चाहिए कि वोट कहीं और था, लाहौर में काम करते हैं और अपना किराया खर्च किया 25 जुलाई को और जाके वोट किया अपनी पसंदीदा पार्टी को। आप यकीन करें कि जो मैंने किराया खर्च किया ना, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर था। अच्छा, खर्च इसलिए किया है कि हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पीपल पार्टी से उनका था, भुट्टो साहब के दीवाने थे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग हमारी एजुकेशन अधूरी रह गई, हमारे घर अपने क्या उम्मीद है? मुझे बात समझ आ गई सारी बात। बात यह है कि हम चेंज चाहते थे, हमने खान साहब ने जो उन्होंने सारी अवेयरनेस दी है लोगों को, हम उनका उनके वेल विशर थे, हम कायल हुए उनसे, हमने उनको चांस दिया। हाँ साहब, बड़ी जज्बाती भी इन्होंने बात की है कि इन्होंने अपने पैसे खर्च किए, वो पैसे जो इनके बच्चों का मुस्तकबिल था, उनके मुस्तकबिल पे खर्च करने थे, वो पैसे खर्च करके यहाँ से दूसरे शहर गए, पैसे खर्च किए और वोट दिया आपकी पार्टी को। अब आपके आप पे डिपेंड करता है कि आपने इन लोगों का दिल तोड़ना है, इन लोगों के जज्बात को ठेस आपने नहीं पहुँचानी, खान साहब आपने काम करके दिखाना है। नाज़रीन, NA-128 की हम बात कर रहे हैं और बड़ा मुकाबला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से डिमांड कांडे का मुकाबला था। शेख रुहेल असकर जो कि वसी तजर्बा रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, एक बार फिर से जीत उनके हिस्से में आई है। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, पहले तो बताइएगा तबीयत कैसी है आपकी? बुढ़ापा। बुढ़ापा, एनर्जी लेवल कम तो नहीं हुआ आपका? नहीं, ऐसा भी नहीं है, इतना बढ़ापा नहीं है। ठीक है, मुबारकबाद देंगे आपको आपकी जीत पे। किस तरह देखते हैं माशाल्लाह से 45,000 और 425 की लीड आपको मिली है? कितने की जीत? 45,425 वोटों की लीड से जीतते हैं आप। कम नहीं? या आप बताएं। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, मेरा ख्याल है सारा मुल्क ही ये बात कर रहा है, सारी ऑपोजिशन ही बात कर रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आ रही, समझ में कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो आप जीत तो गए हैं, तो किस तरह देखते हैं आप इस इलेक्शन को? आप कह रहे हैं समझ नहीं आ रही। मेरी जिंदगी का बदतरीन इलेक्शन पसंदादा लगा, बस इतने यही काफ़ी है। मेरा तो डिटेल थोड़ा सा जाए ना कि क्या हुआ, क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। एक असूल ये है, मजाक करता है, जो कानून ये कहता है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने कंपाइल करते हैं सर और सारा सामान जब इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो उन पर जिम्मेदारी है कि वो सामान लेके सारा कुछ बैलेट पेपर भी, काउंटर फाइल के भी थैले सील करने के बाद वो आगे के ऑफिस में चले जाए। पता नहीं कौन सी चीज माने थी कि वो पूरी रात वहाँ नहीं गए, बल्कि दूसरे दिन जाके 12-1 बजे जाके वो जाए। वायलेशन कानून की वायलेशन है जो कानून असेंबली ने मरतब किया। अब उनको कौन पूछेगा ये? अब जो पूछने वाले हैं मेरे ख्याल में शायद वो कभी कुछ फैसला करते हैं, कभी कुछ फैसला करते हैं, कभी कहते हैं गिनती करवा दो, कभी कहते नहीं गिनती होगी। इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है। शेख साहब, समझ ना आने के बावजूद आप तस्लीम करते हैं अपनी विक्ट्री, आपके तहफात अपने जगह? देखिए, मैं जो मामला मेरे वाला मामला है उसका थोड़ा सा मुकम्मल, अब चूँकि मेरे एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया यहाँ पे, दोस्तों के साथ ही मैं फैमिली यार, शुक्र अल्लाह का कि वो गैप इतना ज़्यादा कि किसी के बस का रोग नहीं था। अच्छा, ठीक है, आप देख लो ना, यहाँ पे भी 2-4-5,000 या 10,000 का गैप था, अजीब तमाशा है, 6,000, 4,000, 5,000 कैंसिल कर दिए, वो डबल मोने लग गए। यार खुदा के बंदो, अगर एक हफ्ता, मैं वैसे कह रहा हूँ बुरा ना मानिए, मतलब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप हकायक को मंजरेआम पे लेके आए। बिल्कुल, बड़ी अजीब सी चीज़ है ना कि एक हलके में जिसका नंबर है 131 वाले, 131 में हलके की बात कर रहे हैं आप? मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे जनरली आपको शायद समझ आ जाएगी बात,
131 کے حلقے میں وہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد ہے غالباً 3,350 اور وہاں پہ شہری حلقہ بھی ہے اور اس میں دیہاتی حلقہ بھی ہے. 132 پیورلی دیہاتی حلقہ. ذرا کمپیریزن تو کریں وہاں پہ کتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں. یا میرا ہے میرے والا حلقے میں 128 میں آدھا دیہاتی حلقہ آدھا شہری حلقہ. اس کا بھی آپ کمپیریزن کر لیں کتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں. کوئی خاص وجہ اس 131 میں ریجیکٹڈ ووٹوں کی؟ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے بڑی سادہ سی میں نے مثال دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب ایک بڑا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ وہ بیانہ دھاملی ہوئی ہے یا تحفظات ہیں تمام جماعتوں کو. ابھی میری بات ہوئی تھی آپ سے پہلے دیال صاحب سے جو آپ کے مخالف تھے, انہوں نے شکست تسلیم کی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ووٹ پڑنے تھے وہ اتنے ہی ووٹ پڑنے تھے. تو چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی شکست کو تسلیم کرے, لیکن پاکستان میں یہ رواج نہیں. کبھی رواج جو ہے وہ آئے گا. آپ کوشچن مارک آ جاتا ہے. میں نے آپ کو دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اگر اس میں آپ مجھے لاجک بتا دیجیے کہ جو آپ کا پریزائڈنگ افسر ہے وہ اپنے رزلٹ کو لے کے کیوں نہیں آر او آفس میں پہنچ رہے. ہم اس بحث کو چھوڑ رہے ہیں, ہم آتے ہیں آپ کے حلقے کی طرف. آپ ماشاء اللہ سے منتخب ہو چکے ہیں یہاں سے. پہلے آپ نے حلقے کو کیا دیا تھا, اب کیا دینے جا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں دیتا ہوتا. میں جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں جو میرے اختیار میں ہوگا ضرور ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. جتنے میرے اختیارات ہیں نا اس اختیارات سے نہ میں تجاوز کرتا ہوں نہ اختیارات سے نیچے جاتا ہوں. وہ میرے سارے اختیارات میرے حلقے کے عوام کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا میری سیاست تھوڑی مشکل بھی ہے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے, میں نے بیٹھ کے لوگوں کی بات سننی ہے. جو بھی مشکلات ہیں اگر میرے بس میں ہیں تو ہونی چاہیے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. حضرت شیخ ہیر اسکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے پرجوش ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چاہے گورنمنٹ بنتی ہے لیکن اپنی عوام کے جو مسائل ہیں ان کی آواز لے کر وہ جائیں گے گورنمنٹ کے پاس, اور ان کا فرض بھی ہی بنتا ہے کہ عوام کے مسائل کے لیے بات کریں اور یہ عوام کے مسائل حل بھی ہوں. ناظرین این اے 128 کا آج ہم نے وزٹ کیا. ہم نے آپ کو لوگوں کے رائے سے آگاہ کیا کہ لوگ مسلم لیگ نون کو یہاں سے جتوانے کے بعد اب کیا سوچتے ہیں. ہم نے آپ کی ملاقات کرائی روہیل اسکر سے بھی, شیخ روہیل اسکر جو یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں 98,000 سے زائد ووٹ لے کر. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ شیخ روہیل اسکر نے جیتنے کے باوجود سوالات اٹھا دیے ہیں الیکشن پہ. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ الیکشن فری اور فیئر ہوئے ہیں. جبکہ بات کی جائے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی اجاز دیال کی جو کہ ہار گئے ہیں, یہاں سے 52,000 سے زائد ووٹ انہیں پڑے ہیں. انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے, جمع مردی کا مظاہرہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات بھی تقریباً شفاف ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہیں جتنے ووٹ پڑنے تھے انہیں ووٹ اتنے ہی پڑے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے اس حلقے کے عوام کے مسائل کی تو مسائل جوں کے توں ہیں, جن میں صاف پانی کا مسئلہ ہے, سینیٹیشن کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے. تو اس حلقے سے جیتنے والے جو شیخ روہیل اسکر صاحب ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ عوام کے مسائل کو ایوانوں تک لے کے جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.